दोस्तों फिर हम बात करेंगे एक्रोपोलिस कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 0.0188 पर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप इसके प्राइस में कल से अभी तक देखने को मिला है। कल से अभी तक इसकी प्राइस में वापस से 50% से ज़्यादा का ब्रेकआउट देखने को मिला है और पिछले एक महीने के अंदर इस कॉइन में 400% से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली है और मई मंथ के बाद से लगातार इसकी प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रहा है और वहां से अभी तक ये कॉइन 600% से ज़्यादा रिकवर कर चुका है। तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट इसके प्राइस में रेगुलर बेसिस पर देखने को मिल रहा है और नए टारगेट से ये कॉइन हिट कर रहा है। और जो टारगेट हमने प्रीवियस वीडियो में आपको शेयर किए थे, 4 दिन पहले हमने इस कॉइन के अपडेटेड लेवल्स और टारगेट बताए थे कि किन लोगों को किन परस्पेक्टिव से किन लेवल पर एग्जिट होना है, वो टारगेट्स इसने हिट किया। 19 वाला हमने टारगेट बताया था वो हिट किया और अभी भी एक अच्छे लेवल पर मेंटेन है। अभी आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, जिन्होंने अभी रिसेंटली बाय किया है या फिर एग्जिट नहीं हुए हैं, या अभी प्राइस कहाँ जा सकती है, नेक्स्ट सिनारियोस क्या बन रहे हैं इस कॉइन के अंदर, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वारीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 0.0188 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है और यहाँ पर अगर आप जैसा देख पा रहे हैं, सुबह से ही कल दिन से ही वापस इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद से वापस मूवमेंट देखने को मिला। ये 4 आवर का चार्ट है और हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको वीडियो शेयर किया था, 25 अगस्त को आपको वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने टारगेट वगैरह बताए थे। उसके बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, प्राइस जो है वो 1103 तक चली गई थी। वहाँ से फिर पिछले 2 दिनों से लगातार फिर वापस मूवमेंट देखने को मिला, जहाँ पर इसने 11 से 1415 वाला लेवल ट्राई किया, थोड़ी स्टेबिलिटी, 4 आवर का चार्ट ओपन है ये, और फिर वापस 20 से ऊपर वाले लेवल को ट्राई किया। डेली का चार्ट अगर हम देखें तो ये डेली का चार्ट ओपन है और जहाँ पर हमने जो रिसेंट डंप जो देखा था, जहाँ पर BTC 24,500 तक चला गया था, वहाँ पर इस कॉइन में बहुत ज़्यादा डंप देखने को नहीं मिला। प्राइस जो है वो 1011 वाले लेवल से थोड़ा सा वहाँ पर करेक्शन लिया और 20-30% का हालांकि करेक्शन था, वहाँ से फिर डायरेक्टली वापस मूव कर गया और वापस मूव किया तो अब हम देख रहे हैं इसमें लगातार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर देखें लगातार जो मूवमेंट है वो यहाँ पर मई मंथ से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस कॉइन ने 13 मई को के अराउंड में उस लेवल पर 0.0033 वाला लो बनाया था, वहाँ पर कुछ टाइम स्टेबल रही और फिर यहाँ से मूव किया, जिसमें इस कॉइन ने यहाँ पर 63 वाला लेवल ट्राई किया, 100% तक की रिकवरी थी। फिर जो जून मंथ में हमने लो देखा था वहाँ पर इस कॉइन ने बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी हमें लो देखने को नहीं मिला। जून मंथ के अंदर अगर बात करें तो जून मंथ में ये जो कैंडल है, हमने जो ये ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, यहाँ पर प्राइस नीचे आई, 40 तक आई और फिर वापस मूव कर गई। तो इस कॉइन में एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। साथ के साथ मार्केट में अगर डंप देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट इसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और अभी अगर बात करें तो इसने 20 वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल तो ट्राई किया ही, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको टारगेट बताए थे उनको भी हिट किया और आप में से बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने वीडियो देखा और प्रॉफिट बुक किया होगा। हमने उसमें टारगेट बताए थे कि यहाँ से ये कॉइन अनस्टॉपेबल जाएगा और 19 तक अनस्टॉपेबल रहेगा, 0.019 तक, क्योंकि वीकली में बहुत सारे सिनारियोज बन रहे हैं। ये देखिए वीकली का चार्ट ओपन है और यहाँ पर वीकली में अगर बात करें, डेली के अंदर भी और वीकली में भी 0.019 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, 0.0159 वाला भी इसको रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेक कर दिया। तो हमने बताया था कि यहाँ से अगर 159 को ये ब्रेक करता है तो फिर 19 से ऊपर तक ये अनस्टॉपेबल रहेगा और 19 से ऊपर वाले एरिया तक इसने ट्राई किया। अब ये देखिए वीकली का चार्ट ओपन है, वीकली में अगर ये क्वाइन अभी वीकली में अगर ये 20 या 19 से ऊपर भी वीकली क्लोजिंग कर लेता है तो फिर वापस इसके चांसेस है कि प्राइस यहाँ से और मूव कर जाए। अब भी ये सिनारियोज बन रहे हैं क्योंकि यहाँ इसने 205, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19 या 195 तक जाएगा, जिस हमने तो आपको टारगेट बताया था 19 को तो हिट किया ही है, 19 के अराउंड भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट में अगर ये
अपना जो वीकली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग तो भले ही चाहे ये 19 से ऊपर करे या 18 से ऊपर करे, 19 रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर 19 से ऊपर कर लेता है तो यहाँ पर इसको ये वाला लेवल सपोर्ट देखने को मिल जाए। लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करता 19 पर तो प्राइस जो है वो नीचे ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस अब नहीं है कि ये कॉइन अब यहाँ से और मूव करेगा, जिसके चांसेस कम है। अब थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली में जो हम देख रहे थे, वीकली का जो उस टाइप से चार्ट बन रहा था, उस टाइप से यहाँ पर वीकली में इसने मूव किया है। वीकली का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो भी 19195 इसका रेजिस्टेंस एरिया था, डेली का भी था, उसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसमें प्राइस में करेक्शन हो सकता है। तो हमारे टारगेट तो हिट हुए हैं शॉर्ट टर्म में जो टारगेट बताए थे, इसके अलावा 0.016 और 0.0175 वाले लेवल टारगेट हमने बताए थे, और 19 तक बताया था कि 19 तक ये अनस्टॉपेबल रहेगा, वहां तक प्राइस जा सकती है, वहां तक आपका जो सेल लिमिट वो हो सकता है, वहां तक आप वेट कर सकते हैं, और वो हमने जो वीडियो शेयर किया उसके चार दिन बाद तक देख लिया। तो ये तो चीज़ें हो गई इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर करेंटली आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने पहले ही बाई करके रखा हुआ है इस कॉइन को, जो अभी रिसेंटली मार्केट में करेक्शन हुआ था, वहाँ से 9.009 के अराउंड प्राइस गई थी, उससे नीचे तक 8 के नीचे तक गई थी, वहाँ अगर आपने बाई किया हुआ है और लॉन्ग टर्म की अगर बाइंग है आपकी जैसे कि, तो कुछ पार्ट आपको 20 पर सेल करना था, ये भी मैंने आपको बताया था। हो सकता है आपने सेल किया हो, नहीं किया है तो 20 पर 20% पार्ट को सेल करना है। अभी वापस प्राइस ट्राई कर सकता है 20 को, तो वहाँ पर सेल लिमिट लगा के रखें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जिन लोगों ने एंट्री ली है अभी, भले चाहे 14 वाले लेवल पर, 12 वाले लेवल पर, तो यहाँ आपको फर्स्ट तो 0.019 पर सेल कर देना है अपना 70% पार्ट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वाले, और 0.0195 पर बाकी 40% पार्ट सेल करना है। यहाँ से अगर करेक्शन भी होता है तो 195 तक प्राइस चली जाएगी अभी नाइट के टाइम तक, इन लेवल्स पर आपको सेल करना है। और शॉर्ट टर्म वाले अगर आप हैं तो 20 पर आपको बाकी 100% पार्ट सेल आउट करना है, शॉर्ट टर्म वाले हैं। अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो कुछ पार्ट यानी 20-25% पार्ट आपको यहाँ पर एग्जिट हो जाना। अगर आपकी बाइंग 0.008 या 9 से नीचे है, उसके ऊपर है अगर बाइंग, तो आपको 30% या, क्योंकि वहाँ से ऊपर अगर 10 से ऊपर की बाइंग है तो प्राइस में वापस करेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आप 40-50% पार्ट सेल करें ही करें, क्योंकि यहाँ से करेक्शन होगा तो प्राइस में चांसेस है कि उस लेवल से अगर 16 से करेक्शन होता तो 11 या 10 तक जा सकती थी। अभी के कंडीशन की अगर बात करें तो भी यहाँ ये क्वाइन 12 तक आ सकता है, 12 या उससे नीचे तक आ सकता है। तो आपको इस टाइप से सिनेरियोस, इस टाइप से आपको जो डिसीजन लेना है। और जिन लोगों ने बाई नहीं किया था, एंट्री का वेट कर रहे इस कॉइन के अंदर, देखिए पहले तो किसी भी कॉइन के अंदर कॉइन से आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। जिस भी कॉइन में आपको, जो अच्छा कॉइन हम आपको शेयर करते हैं, उसमें अगर मिल रही है, पॉजिटिव है एंट्री मिल रही है अच्छे लेवल पर, तो ही एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कहीं पर भी बाई कर लिया, अगर वो कॉइन आपकी बाइंग रेंज में आता है तो ही बाई करना है। जैसे इस कॉइन में लगातार मूवमेंट हो रहा है, तो जितना मूवमेंट हो रहा है उतने करेक्शन के भी चांसेस हैं, तो वेट करें। प्राइस यहाँ से अगर 12 या 125 का राउंड आती है, तो एक बाइंग आप 0.0125 के लगा के रखें, जिसे आप इसमें जो भी लगा अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके 60% पार्ट की बाइंग 0.0125 के लगा के रखें, दूसरी 115 के लगा के रखें। प्राइस आती है वहाँ, बाय होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। दूसरे कॉइन में भी अभी हमारे पास अपोस्ट ही है, उन कॉइन में भी जैसे BTC यहाँ से मूव करेगा ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मार्केट इसी टाइप से चलता है। बाकी जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं और जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर इनरोल करें। यहाँ पर हम वीडियोस वगैरह में कुछ चीज़ें लेट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर आपको अप टू डेट बिल्कुल 1-to-1 कनेक्शन रहेगा, अच्छे टैक्सेस रहेगा, वहाँ पर आपको सिग्नल शेयर किए जाएंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको, क्रिप्टो क्वारीज रिजोल्व की जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट आपको रहेगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी अपने क्रिप्टो यानी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।